नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केयर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट टाटा कॉफी लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बिकॉज कंपनी को लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग मर्जर, डीमर्जर, अमालगेमेशन, इन सभी चीजों को लेकर के बात हो रही है। एंड ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो रहा है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी आज बता दिया है। तो क्या रिकॉर्ड डेट है, मर्जर के बाद जो रहता है या डीमर्जर के बाद आपको क्या शेयर मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, स्वैप रेशियो क्या होगा, इन सभी चीजों को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सर्विस रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज आप टाटा कॉफी का प्राइस को देख लीजिए। 300 यूनिट का शेयर 308 रुपए का प्राइस है। आज के दिन 1.41% का इसमें उछाल देखने को मिला। दूसरी कंपनी जो है वो है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसका प्राइस को भी जरा देख लीजिए। 1041, तो 1041 का प्राइस है इसका। और टाटा कॉफी जो रहता है ये टाटा कंज्यूमर के साथ अब मर्ज होने वाली है, जुड़ने वाली है। ओके, तो कैसे ये प्रोसेस होगा, क्या होगा, इन सभी चीजों को इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये जो पार्ट है इसको आप बस रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसी चीज को मैं यहां पर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब भी कोई डाउट हो आप इस चीज को रीड कीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पर अभी इसके थ्रू बताने वाला हूं। तो बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहला चीज है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है इनका देख सकते हैं, दो बिजनेस हो गया, एक टाटा कॉफी हो गया, टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट खुद लिस्टेड कंपनी है। मैंने प्राइस बता दिया 1000+ का है। एंड टाटा कॉफी मैंने ऑडियो को बता दिया, इसका 300 के अराउंड भी इसका प्राइस चल रहा है। और दूसरा हो गया टीसीपीएल बेवरेज एंड फूड लिमिटेड, ओके, टीबीएफएल यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में है। ये है आपका टीसीपीएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, और ये टीसीएल यानी टाटा कॉफी लिमिटेड। ओके, तो अभी जो प्रोसेस जो है मेन जो सब कुछ होने वाला टाटा कॉफी के साथ होगा। ओके, तो जो कि लिस्टेड कंपनी है, टाटा कॉफी के अंडर में दो बिजनेस आ गया। एक आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी बिजनेस का है, ओके, एंड दूसरा बिजनेस है आपका कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन बिजनेस का है। ये दो बिजनेस इसके पास है। तो अब ये दोनों बिजनेस जो है डिमर्ज हो रहा है, मतलब अलग हो जाएगी, दोनों बिजनेस अलग हो जाएगा। तो ये जब अलग होगा तो ये बिजनेस जो पार्ट है इसका देख सकते हैं, ये टीबीएफएल जो है इसके साथ जुड़ जाएगी यहाँ पर, और इसके बदले में ये शेयर इशू करेगा। ओके, इसके बदले में शेयर इशू करेगा ये कंपनी करेगी, जो कि टीसीपीएल जो है ये आपकी होली एंड सब्सिडरी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। ओके, तो यहां तक क्लैरिटी हो गया। दूसरा चीज है जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा ये पार्ट जाकर के जुड़ जाएगा टाटा कंज्यूमर के पास। तो ये हो जाएगा मर्ज, जुड़ जाना। ओके, जुड़ जाएगी ये बिजनेस, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उसके बदले में आपको टाटा कंज्यूमर जो है वो आपको शेयर इशू करेगी। कितना शेयर इशू होगा, क्या होगा, वो सब सभी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये पार्ट है टोटल। तो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा डिमर्जर ऑफ कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन बिजनेस। इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। स्टेप वन है, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा मर्जर ऑफ रिमेनिंग बिजनेस ऑफ इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विद इनटू टीसीपीएल। तो दो दो स्टेप है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी इस चीज को आप रीड आउट कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो रहता है, टाटा ट्रांसफरी कंपनी जो है, उनका क्या बिजनेस है आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। दूसरा है टाटा कॉफी लिमिटेड है जो डीमर्ज कंपनी, उनका क्या बिजनेस है आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तीसरा है टीसीपीएल बेवरेज, तो ये रिजल्टिंग कंपनी है, उनका क्या है आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। आप इसको रीड आउट कर सकते यहाँ पर कर लीजिएगा, जिन्हें भी जानना है। ओके, अभी जो रहता है क्या ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग फटाफट रीड आउट करते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये जो है प्लान जो है इंक्लूड्स डीमर्जर ऑफ प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा कॉफी लिमिटेड इनटू टीसीपीएल बेवरेज मंडोली को बनाया है, एंड द मर्जर ऑफ रिमेनिंग टीसीएल कंसिस्ट ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन एंड ब्रांडेड कॉफी विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया, पहले डीमर्ज होगा फिर मर्जर होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पर आप रीड आउट कीजिएगा। पहले आप में डीमर्जर है, दूसरा में आपका मर्जर होगा। तो ये यहां तक टोटल चीज मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो रहता है हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या 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 होने वाला है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर डीमर्जर जब होगा, जब ये डीमर्ज हो जाएगी तो यहाँ पर टीसीपीएल जो रहता है या टीबीएफएल जो रहता है यहाँ पर, ये जो रहता है 1 इक्विटी शेयर इशू करेगी फॉर एवरी 22 इक्विटी शेयर हेल्ड इन टाटा कॉफी। तो टाटा कॉफी के 22 शेयर के बदले में आपको 1 इक्विटी शेयर टीबीएफएल इशू करेगी। ओके, तो डीमर्जर को लेकर यहाँ पर ये अपडेट है। दूसरा है यहाँ पर जब ये मर्ज करेगी, जब ये डिमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जब मर्ज करेगी इसके साथ तो ये टाटा कंज्यूमर जो रहता है 14 इक्विटी शेयर ऑफ 14 इक्विटी शेयर इशू करेगी। अगर आपके 55 इक्विटी शेयर टाटा कॉफी का है, यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं फॉर कंफर्मेशन। तो 55 इक्विटी शेयर टाटा कॉफी, 55 इक्विटी शेयर टाटा कॉफी के बदले आपको 14 इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लास्ट में इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ लीजिए। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मर्जर डीमर्जर सब कुछ हो जाएगा, तो फॉलोइंग मर्जर टाटा कॉफी विल स्टैंड डिसॉल्व। तो सब कुछ टाटा कॉफी का खत्म हो जाएगा विदाउट बीइंग वुंड अप। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो भी इसके शेयर होल्डर है, कंपनी विल सीक 3 शेयर्स ऑफ टीसीपीएल। तो इन जो भी शेयर होल्डर टाटा कॉफी के हैं उन्हें मिलेंगे 3 शेयर, टाटा कंज्यूमर का 3 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ
टाटा फॉर एवरी 10 शेयर्स। तो अगर टाटा कॉफी का 10 शेयर आपके पास है, उसके बदले में आपको मिलेंगे 3 शेयर्स ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये फाइनल चीज है एज दैट दैट दे होल्ड एज ऑन रिकॉर्ड। तो आपको इस चीज को, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक इस शेयर को आपको रखना पड़ेगा, अमलगमेशन होने तक, मर्जर होने तक आपको रखना पड़ेगा। तो फिर से रिपीट करूंगा, 10 शेयर के बदले में 3 शेयर इश्यू किया जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, और इसमें दो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अपॉइंटेड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इफेक्टिव डेट क्या है। तो आज के दिन में देखिए कंपनी ने अनाउंस किया, यहाँ पर उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि आपको कब तक शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा, इस इवेंट में पार्टिसिपेट अगर करना है। तो कंपनी ने आज अनाउंसमेंट किया है 28 दिसंबर 2023 को, 28 दिसंबर 2023, जहां पर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट बताया। रिकॉर्ड डेट फॉर दिस पर्पस ये है आपका 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024 ये है रिकॉर्ड डेट। ओके, और इफेक्टिव डेट मतलब मर्जर का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्कीम ऑफ अपॉइंटेड डेट एंड इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम स्टार्ट हो जा रहा है जनवरी 1 से, तो 1 जनवरी से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ आपको। तो अपॉइंटेड डेट फॉर ट्रांजेक्शन इज इफेक्टिव डेट सच दैट अदर डेट मे बी म्यूचुअली अग्रीड बाय द कंपनी। द इफेक्टिव डेट मीन्स द डेट विच विल बी द फर्स्ट डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच कंपनीज म्यूचुअली एक्नॉलेज इन राइटिंग दैट द लास्ट ऑफ द कंडीशन मैटर्स रेफर। जो भी कंडीशन है सब कुछ फुलफिल हो गया है, अब यहाँ से ये प्रोसेस को ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये इनका कहने का मतलब ये डेट है। तो रिकॉर्ड डेट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटेड डेट इफेक्टेड इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था रिकॉर्ड डेट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 10 शेयर के बदले में आपको 3 शेयर मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इस चीज को आप कंप्लीट को फिर से आप अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। स्वैप रेशियो को यहाँ पर अच्छे तरीके से फिर से समझाया गया, आप फिर से इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बताया। और शेयर कैपिटल कंपनी का क्या रहेगा, तो प्रमोटर का कितना शेयर रहेगा, पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या रहेगा, टीसीपीएल क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया टीसीएल क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो को थ्रू मैंने क्लैरिटी दे दिया रिगार्डिंग द रिकॉर्ड डेट, इफेक्टिव डेट एंड स्वैप रेशियो क्या रहेगा कंपनी को लेकर के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।